नमस्कार, आज हमारे साथ हैं पृथ्वीराज की ऐश्वर्या भाकुनी। ऐश्वर्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही शॉर्ट पीरियड में आप आई, बहुत शॉर्ट नोटिस में हम लोगों को पता चला है कि ऐश्वर्या से बात करने जा रहे हैं। तो ऐश्वर्या को लेकर के हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करी और सारा देश इस समय ऐश्वर्या के बारे में बात कर रहा है। वजह यह है कि ऐश्वर्या ने एक अपनी इस तरह की फिल्म के साथ डेब्यू किया है, फिल्म में जो कि हिस्ट्री पर बेस्ड फिल्म है। हिस्ट्री पर बेस्ड फिल्मों में जब भी कोई भी एक्ट्रेस या एक्टर डेब्यू करते हैं तो उनको एक अलग तरह का एक प्लेटफॉर्म मिलता है और एक साथ उनको एक बड़े मंच पर आने का मौका मिलता है। साइमल्टेनियसली विवाद भी उनको मिलते हैं। सही हूँ मैं? करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इस दौरान? एक ऐसी वाली फिल्म थी जिसमें घोड़े, हाथी, भाला, तलवार और आप कम से और बड़ी खूबसूरत, कैसे रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा रहा। खैर, ये मेरा पहले एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि इससे पहले मैंने जो टीवी शोज़ भी किए हैं वो टीवी शोज़ भी मैंने हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकली किए हैं। तो मेरी सारी ट्रेनिंग टीवी शोज़ ने करके मुझे ट्रेन करके फिल्म्स में सौंप दिया, तो मेरे को बहुत आसान हुआ मेरे लिए फिल्म कर पाना, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग ऑलरेडी हो चुकी थी। फिर इसमें जब आप गए होंगे लोकेशन शूट, आउट साइड गए होंगे और फिर नए किस्म की टर्म्स, फिल्म की टर्म्स, और फिर इतने बड़े एक स्टार के साथ जाना, एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही, चूँकि आजकल हिस्ट्री पर जब भी कोई फिल्म बनती है तो एक रिस्क तो रहती है कि जाने कब, जैसे इसका भी नाम तो बदलवा ही लिया लोगों ने, तो ये सब चीज़ों को एक वो नहीं था मन में कि जाने क्या होगा, कैसे होगा? नहीं, आउटपुट इसका पूरा शूट एक्चुअली मुंबई में हुआ है, यशराज के स्टूडियो में, और वहीं पर सेट बनाया गया था पूरा। तो सब कुछ बहुत इजीली हो गया। ऊपर से जो स्टार्स थे हमारी फिल्म में, वो बहुत ही अच्छे नेचर के और बहुत ही हंसी खेलने मजाक वाले थे। तो सेट पे जब वो आते थे तो कोई प्रेशर, कोई टेंशन नहीं होता था, सब कुछ हंसते खेलते बहुत अच्छे से निकल जाया करता था। और जो कंट्रोवर्सी हुई है इसमें नाम की, तो पहले भी नाम अच्छा था क्योंकि पृथ्वीराज चौहान मेरे बहुत फेवरेट एक्टर है, लेकिन सिंस वो हमारे इतने महान राजा थे हमारी हिस्ट्री के, तो सम्राट लगाना भी चार चांद लग गए। पहले ही सोचा क्या प्रोड्यूसर ने? पहले से ही लगा, मतलब आप मानती हो सम्राट लगाना चाहिए था, जो प्रोड्यूसर से गलती हुई, डायरेक्टर से गलती हुई? नहीं, गलती नहीं हुई, क्योंकि मेन मुद्दा तो पृथ्वीराज ही है। हमारे मेन स्टार, मतलब हमारे मेन सेलिब्रिटी एक्चुअली कौन है? हमारे राजा हैं पृथ्वीराज चौहान। तो अब वो पृथ्वीराज हो या पृथ्वीराज चौहान हो या सम्राट पृथ्वीराज चौहान हो, तीनों ही नाम मुझे सूटेबल लगे। हाँ, जनता के इमोशंस उससे जुड़े हुए, तो जनता ने एक सजेशन दिया कि आपको उसमें सम्राट लगाना चाहिए, तो सम्राट लग गया वो, और चार चांद लग गए, ये तो नाम सारे अच्छे थे। लेकिन इस तरह कंट्रोवर्सी, जैसे आप कभी भी कोई फिल्म आती है, पहले फिल्म आई थी तो उसमें भी यही हुआ कि आप पद्मावत कीजिए उसका नाम, या रानी पद्मावती मत कीजिए, या जो भी है। कुल मिला के हिस्ट्री पर फिल्म बनाते हैं, कोई ना कोई करेक्शन उसमें होता है, तो पहले एक कैवियट टाइप का क्यों नहीं जारी कर देते आजकल? क्या प्रोड्यूसर्स इसको लेकर डर रहे हैं? थोड़ा लग रहा है उनको कि इस तरह की फिल्में बनाएंगे, फिर हम जाएंगे और फिर जाएंगे तो कुछ ना कुछ उसमें से सवाल आ जाएंगे। वो तो अब प्राणी पद्मावती भी लगा दोगे तब भी जनता कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही लेगी आपको उसमें पिन पॉइंट करने के लिए। कुछ कोई पर्टिकुलर ग्रुप्स किसको एड्रेस कर? जनता भी है, सब हैं, सब कुछ। वो हम लोगों ने तो कभी नहीं, हम भी जनता, हमने तो नहीं कहा। ऐश्वर्या, आप इससे तो आपके दिल में फिर पृथ्वीराज चौहान जी के लिए फिर प्यार नहीं है ना? देश के अब जो जनता है वो बहुत ज्यादा प्यार करती है अपने राजा से, तो उनको लगा कि सामने सम्राट लगना जरूरी है। फ्रिंज ग्रुप हो गया है क्या? देखिए, जब पृथ्वीराज चौहान सीरियल आया था तब तो किसी ने नहीं बोला सम्राट लगाइए, तब वो पृथ्वीराज चौहान सीरियल जो स्टार मतलब है ना कि फिल्मों को देख करके कोई एक ग्रुप ऐसा बनने लग गया है देश के अंदर कहीं ना कहीं, जो फिल्मों को इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है किसी न किसी रूप में। इन्फ्लुएंस नहीं, वो लोगों की नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट लोगों का इमोशन जुड़ा हुआ है। अब जिन लोगों ने, जो राजस्थान से जिन्होंने रानी पद्मावती के लिए बवाल उठाया था, जो भी मुद्दा उठाया था, तो उनका इमोशन जुड़ा हुआ है उनसे, वो उनको भगवान की तरह पूछते हैं। शायद मैं और आप भगवान की तरह नहीं पूछते, बट वो पूछते हैं, तो ये चीज़ उनके लिए मैटर करती है, इसलिए उन्होंने इस पर सवाल उठाए। लेकिन एक ही बात नहीं है, और भी जितनी भी हिस्ट्री पर फिल्में बनी है उनमें कोई ना कोई कंट्रोवर्सी आई है। हाँ, क्योंकि छोटी आई है, ज्यादा आई है, हिस्ट्री के आज से 15-5 साल पहले कोई ऐसी कंट्रोवर्सीज नहीं होती थी। कब फिल्में आती थी, कब चली जाती थी, अच्छा करती थी, खराब करती थी, अलग, क्योंकि लोगों को हमारे हिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं था। अब जागरूकता बहुत आने लग गई है, लोग हमारे राजाओं के बारे में पढ़ने लग गए हैं कि कैसे हमारा देश स्लेवरी में आप था। पढ़ते हो ऐश्वर्या? जी, मैं पढ़ती हूँ, मेरी मम्मी भी मुझे जितना इसमें एजुकेट कर सकती हैं उतना वो करती हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तो नहीं पढ़ती? नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं, जो अच्छे ज्ञानी लोग हैं उन्हीं से, और
गूगल विकिपीडिया और चीज़ों को देखती है। लेकिन एक ये तो मानना ही पड़ेगा ना कि कहीं ना कहीं या तो फिल्म मेकर्स भी चाहते हैं कि देखिए, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर जैसे मेरे पापा का नाम है रमेश सिंह भाकुनी, अब मेरे पापा का कोई बहुत महान आदमी, उन्होंने कुछ अच्छा किया, तो मैं एज अ डायरेक्टर बनाऊंगी कि हाँ रमेश सिंह भाकुनी के ऊपर मैं बायोग्राफी लिख रही हूँ, फिल्म का नाम रमेश सिंह भाकुनी लिख दिया। बट उनका जो परिवार वाले होंगे जो उनसे बहुत प्रेम करते हैं या उनसे अपनापन रखते हैं, तो बोलेंगे नहीं नहीं इसके आगे श्रीमान लगाओ, श्रीमान क्यों नहीं लगाया। तो लोग अपना अपना जैसे पर्सनली, हाँ वो जैसे जैसे लोग अपना अपना रिलेट कर सकते हैं, जिनके दिल में जितनी श्रद्धा जितनी ममता होती है उसके लिए वो बेस्ट ही करना चाहते हैं, तो वो अपना सजेशन देते हैं। एंड हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स इतने अच्छे थे कि उन्होंने सजेशन को दोनों हाथों से स्वीकारा और उसको इम्प्लीमेंट भी किया, क्योंकि फिल्म बनाई गई थी पृथ्वीराज चौहान के बारे में लोगों को एजुकेट किया जा सके बेसिकली। तो ये अक्षय कुमार को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, उसको कैसे देखते हो ऐश्वर्या? बहुत कौन सा ऐसा फिल्म स्टार नहीं है जिसके बारे में बात नहीं होती, सबके बारे में ही बात होती है। अक्षय के साथ काम करके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। वो अक्षय कुमार, कौन से अक्षय कुमार आपको नजर आए, खिलाड़ी के अक्षय कुमार नजर आए वहाँ, या आपको प्रेम कथा जो थी टॉयलेट एक प्रेम कथा के अक्षय कुमार नजर आए, या कि मोदी का इंटरव्यू लेने वाला एक अक्षय कुमार नजर आए? नहीं नहीं, अक्षय कुमार मुझे एज अ एक्टर ही नजर आए, जिस तरीके से मैंने बचपन से देखते आई हूं। तो उन्होंने मोदी का इंटरव्यू लेते समय भी की थी ना अब कांग्रेसी है, अब कांग्रेसी है। देखो ये होता है आज के जमाने में, इतना ज्यादा विभाजन हो गया है कि जरा से भी कोई क्वेश्चन ऐसे करता है जो उनको फेवर ना करें तो वो या तो एलिगेशन कर देते हैं कांग्रेसी या बीजेपी का, या कोई ना कोई विभाजन। मुझे अक्षय कुमार एज अ ह्यूमन वहाँ पे अच्छे लगे, मुझे अक्षय कुमार एज एन एक्टर अच्छे लगे, क्योंकि उन्होंने पूरे सेट को बहुत ही प्यार से बहुत ही अच्छे से रखा, सारे एक्टर्स को बहुत रिस्पेक्ट की और बहुत अच्छे से अपना परफॉर्मेंस अपनी भूमिका निभाई, तो मुझे वो अक्षय कुमार हमेशा से पसंद थे और हमेशा पसंद रहेंगे। तो कुछ ज्यादा पसंद तो नहीं? नहीं नहीं, एज अ आइडल, एज अ स्टार पसंद जी, एज ए कलाकार, एक कलाकार के रूप में पसंद है। तेरी होप्स हो ऐश्वर्या, आने वाले दिनों में क्या प्लान कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं अपने करियर को लेकर के, और क्या सोचती हैं, क्या है? क्योंकि आपने बताया जैसे आपके फादर एक गंभीर किस्म के व्यक्ति हैं, तो आपके संस्कार भी वैसे होने चाहिए होंगे और आप गंभीर करियर की तरफ बढ़ेंगे। जी जी, मैं आगे जो भी अभी फिल्म्स करने वाली हूँ, मैं ट्राई, मतलब मेरा फोकस यही है कि मैं एज अ मेन लीड या एज अ हीरोइन करूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ को भी प्राउड करना है, होना चाहिए छत्तीसगढ़ का नाम ऐश्वर्या राज भाकुनी से। तो मैं आगे और भी अच्छे प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ और अपने मम्मी पापा की और छत्तीसगढ़ की गरिमा जहाँ तक मैं बनाए रख सकूँ वहाँ तक बनाए रखने की पूरी मेरी कोशिश है, और आई होप मैं एक दिन प्राउड करूँ। इस तरह के रोल्स में ही जाओगी आप आगे? नहीं, एक आर्टिस्ट के कलाकार की कभी भी बाउंड्री नहीं होती कि मैं यही रोल करूँगा या यही रोल करूँगी। अगर कोई ऐसा रोल आए जो कि मुझे लगे कि बहुत चैलेंजिंग है या बहुत अच्छा है निभाने से, मुझे अच्छा मेरे करियर को बूस्ट मिलेगा, तो मैं वो ज़रूर करना चाहूँगी। कुछ मसाला फिल्में भी करूँगी? मसाला फिल्म करूँगी, बट हमेशा ये ट्राई करूँगी कि मैं कभी भी उसमें बोल्ड सीन्स या किसिंग सीन्स ये ना करूँ। ये हमेशा मेरी प्रायोरिटी रहती है कि मैं कभी भी ऐसे कुछ सीन्स ना करूँ जिससे देख के मेरे मम्मी पापा शर्मिंदा हों या मेरे आसपास वाले शर्मिंदा हों। बट अगर वो फिल्म की एकदम हार्डकोर डिमांड में आ जाए तो शायद मुझे करना पड़ सके कभी, बट मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं अवॉइड करूं। सेलेबल थोड़ा आपने टॉपिक छेड़ा है, किसिंग सीन आपने जब डिस्कस किया, किसिंग सीन की क्या सीमा मानते हो आप, कहाँ तक जाना चाहिए, कहाँ तक आपको लगता है कि ठीक है? मेरे अकॉर्डिंग तो किसिंग सीन्स बोल्ड सीन्स होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट मूवीज कौन सी है, कुछ कुछ होता है, एक किसिंग सीन नहीं था उसमें, DDLJ एक किसिंग सीन नहीं था, और जितने भी महान बाहुबली, बाहुबली कोई किसिंग सीन ना, थोड़ा मसाला तो रखना पड़ेगा ना। अगर कंटेंट अच्छा हो, डायरेक्टर अच्छा हो ना, तो मसाले की जरूरत नहीं पड़ती, मसाला वही लोग डालने की कोशिश करते हैं जिनको अपने कंटेंट पे भरोसा ना। मसाले के अलावा ये तो लाइफ का एक हिस्सा भी होता है, कोई ऐसा तो नहीं है कि बहुत अकल्पनीय चीजें हैं? अकल्पनीय चीज़ें हैं, बट बच्चे भी देखते हैं उसे, और इससे हमारी आने वाली जनरेशन को कहीं ना कहीं गलत मैसेज, गलत सिग्नल जाता है। जैसे गलत है क्या वो? गलत लोग तो बंद बंद कमरों के पीछे गलत नहीं है, बात करना चाह रहे हैं हम, तो बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं कि हाँ पढ़ाइए, एजुकेट कीजिए, प्रैक्टिकल करके दिखाने में। तो मैंने बोला कि अगर कभी रिक्वायरमेंट आई किसी स्टोरी में तो मैं करूँगी, अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी, अगर उसके आगे हाँ बनूंगी नहीं, और उसको अपना USP नहीं, बट अगर कोई ये बोलेगा कि सिर्फ मसाला ऐड करने के लिए अननेसेसरी ये डालना, तो वो मैं नहीं करूंगी, वैसा नहीं करेंगे, ये अच्छी बात है। ऐश्वर्या, कुछ अभी आपके पास कुछ इस फिल्म के बाद कुछ ऑफर्स? और बॉलीवुड फिल्म की है द कंट्री प्राइड नाम उसका, वो मिथुन चक्रवर्ती जी के बेटे जो मेमो चक्रवर्ती हैं उनके साथ की है मैंने, और ये फीमेल सेंट्रिक फिल्म है, एक नंदिनी जो डॉक्टर बनना चाहती है उसके ऊपर, उसकी स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। तो वो फिल्म मेरी अभी शूट होकर कंप्लीट हो गई है, अभी नेक्स्ट 4-5 मंथ्स में रिलीज हो जाएगी। तेलुगु में मेरी 4th फिल्म मैं शूट कर चुकी हूँ, एक फिल्म रिलीज हो गई है, एक पोस्ट प्रोडक्शन में है,
एक अभी शूट चल ही रहा है और फोर्थ फिल्म सासना सभा का भी मेरा शूट कंप्लीट हो गया है, उसमें पूरी केजीएफ की टीम उसका सारा बीजीएम म्यूजिक सब कर रही है, तो वो भी बहुत जल्द आने वाली है। तो इन सभी फिल्म्स में मैंने एज अ हीरोइन काम किया है। जो हिंदी है नंदिनी वाली, उस फिल्म में आपका रोल नंदिनी का है, नंदिनी का है मेन लीड रोल, मेन लीड रोल है जी। तो किस किस्म का किरदार है वो और कब तक ये उस पर आएगी पर्दे पर? ये जैसे फैशन मूवी आई थी जैसे उसमें एक मॉडल के क्या क्या स्ट्रगल्स होते हैं, तो ऐसी एक लड़की है जो कि बहुत गरीब घर से बिलोंग करती है और डॉक्टर बनना चाहती है, और तो हमारे सिस्टम में क्या क्या खराबी है जो पॉलिटिकली या किसी भी चीज़ की वजह से, जिसकी वजह से वो डॉक्टर नहीं बन पाती, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कैसे उसका स्ट्रगल होता है, कैसे वो मुकाम हासिल करती है, कि उसके ऊपर पूरी स्टोरी है। वेरी गुड ऐश्वर्या। इसके अलावा जो आप तेलुगु की बात आपने की, जी तेलुगु में आपको तेलुगु आती है कि कैसे? मैं धीरे धीरे हर फिल्म के साथ सीख रही हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कि जो तेलुगु स्पीकिंग लोग हैं उनसे बात करूँ, उनसे लैंग्वेज समझती हूँ, उनसे लर्न करती हूँ। आई लव यू को तेलुगु में क्या बोलते हैं मैडम? मुझे तमिल में पता है, ना उन्ना कदा लेकर रहे। वेरी गुड, हमारे दर्शकों को बोल दीजिए एक बार, ना उन्ना कदा लेकर रहे, और हिंदी भी बोल दीजिए ताकि वो और खुश हो जाएं। आई लव यू सो मच, प्लीज लव मी बैक एंड जस्ट सपोर्ट मी ऑलवेज लाइक यू ऑलवेज डू। ऐश्वर्या हमारे घर की हैं, ऐश्वर्या हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ की हैं, तो ऐश्वर्या से हम और भी आगे बातें करते रहेंगे, बहुत सारी बातें हैं उनसे करने को, अभी चूंकि उनको भी निकलना है तो इसलिए हम इस बात को यहीं ख़त्म करेंगे। ऐश्वर्या आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पृथ्वीराज के बाद, उम्मीद करेंगे कि राणा सांघा पर भी कोई फिल्म बने और उसमें भी आप कुछ अच्छी। जरूर जरूर जरूर, मैं जरूर प्रपोज करूंगी किसी प्रोड्यूसर को कि मैं उनकी फिल्म बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।